आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स शो की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आपके स्क्रीन पर चल रही है, मणप्पुरम फाइनेंस प्रमोटर नंद कुमार की निजी संपत्तियों को ईडी ने फ्रीज कर दिया है और यहाँ पर करीब 20 करोड़ शेयरों को भी ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। हम आपको पहले भी बता रहे थे कि लगातार छापेबाजी हो रही है यहाँ पर ईडी की तरफ से, और सुबह कुछ बड़े सौदे भी हुए थे मणप्पुरम फाइनेंस में, जिसके चलते स्टॉक में दबाव था। और अभी भी देखिए, इस खबर के आने के बाद करीब 13.5 से 14% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए खबर पर और ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं समीर के पास, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, अब क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कल भी आप बता रहे थे कि कंपनी के लिए आगे दिक्कत और बढ़ सकती है, अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ईडी की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई थी, उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई थी कि उसने 6 जगहों पर, केरल के थ्रिसुरूर में 6 प्रमाइसेज हैं जो कि मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को तमाम ऐसे एविडेंस मिले थे, डॉक्यूमेंट एविडेंस, डिजिटल डाटा, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि तकरीबन 143 करोड़ मणप्पुरम फाइनेंस ने गलत तरीके से एकत्रित किए अपने ग्राहकों से, सभी नियमों का पालन नहीं करते हुए। जिसमें एक बड़ी बात ये भी निकल के सामने आई थी कि आरबीआई ने भी इस बात को लेकर के उंगली उठाई थी। जब आरबीआई ने अपने तरफ से ये निर्देश दिया था मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को कि ये 143 करोड़ सही तरीके से नहीं जुटाए गए हैं और ये पैसा ग्राहकों को लौटाना होगा, और जब ईडी ने पूरी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पाया कि इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि पैसा वापस किया गया है, उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने प्रमोटर वीपी नंद कुमार के अकाउंट को फ्रीज किया है। 143 करोड़ अमाउंट के ये अकाउंट है जिसको ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान फ्रीज किया है, और आज मणप्पुरम ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और ये फाइलिंग में बताया है कि प्रमोटर वीपी नंद कुमार के तकरीबन 19.25 करोड़ के शेयर्स जो हैं उसको ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं, जब्त कर दिए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर और उसके प्रमोटर पे होती हुई नजर आ रही है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि आरबीआई के नियमों को ताक पे रख करके, उसका पालन ना करके ये पैसा जुटाया गया। और ना सिर्फ जब इसके लिए वापिस करने के लिए जब ऑर्डर या यू कहीं निर्देश दिया गया, तो उसका भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पर मणप्पुरम की जो दिक्कतें हैं वो साफ नजर आ रही हैं, और ये दिक्कतें और आगे गहरा सकती हैं क्योंकि ईडी अब प्रमोटर के अलावा मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या अन्य जो अधिकारी हैं उन पर भी जांच कर रही है कि उनका कितना एक्टिव रोल रहा है इस पैसे को जुटाने में। और जांच जो भी चल रही है उसमें माना जा रहा है कि कुछ और नाम मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के सामने आ सकते हैं जो इस पूरे पैसे के एकत्रित करने में शामिल रहे हैं, और उस पर कार्रवाई आने वाले दिनों में होती हुई दिख सकती है। जी बिल्कुल समीर, अगला सवाल मेरा इसी को रिलेटेड था, आपने जवाब दे दिया कि अभी और भी नाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं, कार्रवाई और ज़्यादा तेज़ हो सकती है, और इसमें प्रमोटर का नाम तो आया ही है मिस्टर नंद कुमार का, उसके अलावा भी और भी नाम यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं, कंपनी के जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, उनके भी नाम यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और इस खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। तो ये कार्रवाई तेज़ होती नज़र आ रही है ईडी की तरफ से, और हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर सुबह से ही दबाव है, कुछ बड़े ब्लॉक डील भी हुए थे, बड़े सौदे भी हुए थे, करीब करीब 0.3% इक्विटी का सौदे भी हुए थे यहाँ पर, और उसके बाद हमने देखा कि 13% नीचे ये स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी व्यू लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुमित मूलचंदानी जुड़े हैं और गिरीश सुदानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। गिरीश, आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला चल रहा है मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर, इसे आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में आपके पास काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही होंगी, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को? देखिए, अभी फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो ऐसा नहीं थी कि कुछ नहीं है, हम लोगों को ये बात ऑलमोस्ट पहले से डिक्लेरेशन चल ही रहे थे कि मणप्पुरम फाइनेंस पे इस टाइप की एक्टिविटीज हैं। सेबी ने जो नोटिस दिए थे वो भी सर्कुलेशन में आई थे बाजार के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो एक पैनिक सिचुएशन तो थी ही थी। अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बात करें तो डेफिनेटली अभी हम किसी भी इन्वेस्टर को इससे में कोई भी बाय करने की सलाह तो डेफिनेटली नहीं देंगे।
हम भी चाहते हैं कि चीजें पहले क्लियरिटी लेवल पे आए, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे, सेबीज एंड ऑल, उसके बाद ही कहीं पे भी इसमें कोई मूवमेंट आना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जिनके पास पोजिशंस खड़ी हुई हैं वो अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, अगर लॉस थोड़ा बहुत लॉस है तो एक बार का थोड़ा बहुत लॉस बुक करके मेरे हिसाब से एक बार बाहर होना चाहिए। इस टाइप की एक्टिविटीज के बाद स्टॉक्स में काफी गिरावट हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है कि जब इस टाइप की कोई भी न्यूज आती है किसी भी स्टॉक के अंदर तो काफी स्टॉक डाउनफॉल दिखाता है, तो हम वही एक्सपेक्ट इस स्टॉक में भी करी ना। ठीक है, तो अभी फिलहाल मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर नेगेटिव खबरें काफ़ी सारी आ रही हैं, तो इस माहौल में स्टॉक और ज़्यादा टूट सकता है, तो अगर आपके पास पोजीशन है आप चाहिए तो निकलने की कोशिश कीजिए, मणप्पुरम फाइनेंस से लॉस बुक करिए और अपने निवेश को दूसरी कंपनियों में यहाँ पर स्विच करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल ना फ्रेश खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा रही है और अगर चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, अब ये है मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर जो भी बड़े अपडेट आ रहे हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं और इस पूरी खबर पर, स्टॉक पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं मार्केट पर, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शुरुआत आज कमजोरी के साथ हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे निचले स्तरों से थोड़े रिकवर हुए हैं बाजार, बट अभी भी 18,200 के पास है, करीब 50 अंकों की कमजोरी यहाँ पर निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में भी 175 अंकों की वीकनेस है और आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं HDFC ट्विंस, यहाँ पर आज प्रेशर है, करीब 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड के एडजस्टमेंट के चलते आज हम यहाँ दबाव देख रहे हैं लेकिन निचले स्तरों से बाजार थोड़े रिकवर होने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। अब इस पर आगे व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है ये भी एक बार समझ लेते हैं। सुमित, कल की बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं हावी है बाजार पर और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से आज ज्यादा दबाव दिख रहा है, मार्केट पर ओवरऑल आपका क्या व्यू बन रहा है और किस तरह की पोजिशन लेनी चाहिए इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अपनी राय दीजिए। हाय, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आज लोअर लेवल्स पे मार्केट एक गैप डाउन के साथ खुला था, लेकिन काफी अच्छी मार्केट में रिकवरी आई हुई है। लेकिन जो मार्केट के ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ए कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, देखिए अभी भी उनमें गिरावट कोई भी एंगल से नहीं दिख रही है। जहां पे बात आ रही है बैंक निफ्टी की, अदर देन HDFC बैंक एंड HDFC, आप देखिए ICICI, एक्सिस बैंक, सभी ने संभाला हुआ है मार्केट को। तो बिल्कुल अभी भी हमें मार्केट में कोई ज्यादा गिरावट दिख नहीं रही है। अगर इंट्राडे लेवल की बात करें तो 18,100 स्पॉट लेवल निफ्टी में, जब तक ये नहीं टूट रहा, बिल्कुल एक डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं आ सकता है। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन होल्डिंग है, आप होल्ड करके रखिए। अपसाइड में 18,200 और 18,250, ये दो लेवल्स हैं जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। कल के सेशन में भी यहीं पे जाके सेशन एंड हुआ था, तो हमें लग रहा है 18,250 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो 18,500 नेक्स्ट लेवल आएगा। तो टिल द टाइम 18,100 का वेट कीजिए, जब तक ब्रेक नहीं होता आप बिल्कुल खड़े रहिए। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लेवल्स में प्राइवेट बैंक जो है काफी अच्छा हेल्प कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग जो करंट मार्केट है वो 43,300 का जो लेवल है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे खड़े रहिए और बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखिए। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपनाने की राय इस वक्त बाजार में, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लेकिन इस वक्त निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, अगर कुछ सवाल हैं आपके, सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप के जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, साथ ही हमारा जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर उसके जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, नोएडा से रवि दास जी ने कॉल किया है। रवि जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार, मेरे पास दो शेयर हैं, एक तो इजी माइट्रिक है, 300 शेयर है, 48 पे बाइंग है, ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसका फ्यूचर है। ओके। तो दूसरा शेयर है TV18 ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ये मेरे पास 1062 नहीं सॉरी 1262 शेयर हैं, 44 पे बाइंग है, इसका फ्यूचर क्या है। मैं ये इसका भी मैं आप अभी तो लॉस में चल रहा हूँ, इसके रिकवरी होने का चांसेस है, कितने टाइम में ठीक है, रिकवरी होगी। TV18 पर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, थोड़ा इसका जो बिजनेस है मॉडल वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर,
लेकिन हम आपको राय दिलवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ईज माई ट्रिप पर राय दिला देते हैं, आपकी खरीद के आसपास ही स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। गिरीश, इनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। हम तो देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म में सुधार आया है पूरा स्पेस में, इस बीच काफ़ी सारे स्टॉक्स चले भी थे, ईजी ट्रिप भी उसमें से एक ही था, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी आपको इस स्पेस में अच्छी लग रही है या फिर कोई और कंपनी आप इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, बिकॉज हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को काफी टाइम से फोकस करते हैं एंड जिस तरीके के नए मूवमेंट्स आए हैं, नए नंबर्स हॉस्पिटैलिटीज को लेके आए हैं, जो होटल बुकिंग्स हो गई हैं, फ्लाइट बुकिंग्स हो गई हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्रीमेंट्स हुए हैं, तो उस वजह से कहीं पे भी ये फोकस बहुत, ये सेक्टर बहुत फोकस में रहा। इस मार्केट में बहुत लुक्रेटिव कंपनी है, हमें कहीं पे भी ये लेवल बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर आप लोगों को फर्दरली कोई बाइंग भी करनी है तो आप लोग, इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स को इसमें बाइंग की भी सजेशन देते हैं। मुझे ये लेवल्स कहीं पे भी 55 और 57 प्लस दिखाई देता है। एक बार ये 57 क्रॉस कर लेता है, सस्टेनेबल हो जाता है, तो ये कहीं पे भी 70-72 का एक रेंज दिखाई देगा अगले 3 महीने के लिए। एक क्वार्टर्स में एटलीस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि 70 का रेंज जरूर डेफिनेटली लेके आएगा। एक ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है स्टॉक्स, वो एक इजी रेंज में आ गया है, हमारे एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको अभी होल्ड करना चाहिए। अच्छा, TV18 ब्रॉडकास्ट पर क्या व्यू देंगे आप? ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, कंपनी को ट्रैक करते हैं, क्या करना चाहिए TV18 में? TV18 ब्रॉडकास्ट, जैसे कि आपने भी बताया, ये बस क्लियर है कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। इसमें क्लैरिटीज इन द टर्मिन ऑफ रेवेन्यू एबिटा इनकी बहुत मुश्किल से आती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अभी एक लंबे टाइम के लिए होल्ड की अपॉर्चुनिटीज इसमें रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे स्टॉक में मूव कर देते तो शायद बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द डिविडेंड्स ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक से एक बार का बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जिट कर लीजिए TV18 से। अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब से हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार संदीप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। मैडम, मेरे पास जुबिलेंट फूड है 350 शेयर 464 के भाव में, और कोपन लिमिटेड है 248 के भाव में। नहीं, दूसरा स्टॉक हमें आपका समझ में नहीं आया, कोफोर्ज पे पूछ रहे हैं आप? कोपरेन मैडम, CKOPRAN। ठीक है, इस पर राय दिलवाने की कोशिश करेंगे। पहले तो जुबिलेंट फूड पर राय ले लेते हैं। आपकी ये जो 464 पर लिया था, और इस पर खरीदारी के आसपास ही कारोबार कर रहा है, 350 के पास है, ये कितना समय दे सकते हैं आप जुबिलेंट फूड में? मैं 6 महीने दे सकता हूँ। ठीक है सुमित, आप राय दीजिए जुबिलेंट फूड पर क्या करें? 6 महीने का ही व्यू है इनका, हल्का मुनाफा हो रहा है, अभी भी बने रहे, और अगर कुछ स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो भी सजेस्ट करिए इन्हें। देखिए, जैसे कि इन्होंने बोला कि 6 महीने का इनका टाइम फ्रेम है, तो आप रिसेंटली देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग डेज बना के रिवर्सल एक ट्रेंड दिखा है स्टॉक में, और स्टॉक ने अपने 50 मूविंग डे एवरेज को सस्टेन किया है। तो बिल्कुल मैं सजेशन दूंगा कि आप बने रहिए। 6 महीने में मुझे लग रहा है कि इनका जो टारगेट है एज ऑफ नाउ करीबन 530 से 540 का बिल्कुल अचीव एक हो सकता है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप काउंट करेंगे तो करंट लेवल से अराउंड एंड अराउंड 15-20% का एक मूवमेंट आ सकता है। तो बिल्कुल आप ये स्टॉक को अभी होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से आप 440 का मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो 440 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको होल्ड करने की राय दी जा रही है। संदीप जी, आपसे रिक्वेस्ट होगा, हमारी टीम दूसरा सवाल आपका नहीं समझ पाई थी, तो वापस से आप हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए। अपने सवाल को आप हमें व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी भेज सकते हैं। तो बट अभी के लिए ये राय आपको जुबिलेंट फूड पर दे दी गई है। अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ हम राजेश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम राजेश जी कुकरेजा है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम राजेश जी कुकरेजा है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरे पास डेटा पैटर्न 600 शेयर है 740 रुपए के भाव से। ओके, काफी पहले की खरीद लग रही है आपकी। मेरे 2 साल हो गए, मेरे पास 1.5 साल हो गए, 1.5 ईयर हो गए। हाँ,
राइट, 2 साल में ये स्टॉक चला भी काफ़ी अच्छा है और डेटा पैटर्न्स और काफ़ी सारे निवेशकों को ये फ़ायदा भी स्टॉक ने दिलवाया है। क्लियरली आपको भी गेन हो रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। अगर आपकी खरीद से बात करें तो 750 के भाव पर लिया था और इस वक्त 1737 का ये स्टॉक हो चुका है, तो शानदार गेन हो रहा है इस वक्त। क्या करना है यहाँ पर गिरीश, आप सजेस्ट करिए, डेटा पैटर्न्स में अभी भी बने रहना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे आप इसमें? देखिए, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम क्वार्टर्स टू क्वार्टर्स पे देखें तो काफी अच्छा पोजीशंस आया है इनका रिजल्ट ओरिएंटेड में। बट कहीं पे भी जिस जब मार्केट बहुत तेजी में रहता है, बहुत अच्छे से चल जाता है, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देता है, हमें कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि डेटा पैटर्न्स में इनको कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए ताकि एटलीस्ट हम मुनाफा बुक करके घर लेके जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हम किसी और स्टॉक में मूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको डेटा पैटर्न्स पर ये राय दे दी गई है, आप बने, आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कुछ मुनाफा आपको यहाँ पर अपने पास रखना चाहिए और उसके बाद और भी तेजी के लिए आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप पर अमित जी ने, उत्तर प्रदेश से हैं ये, और इनका सवाल है एलजी बालाकृष्णन पर। इनके पास 60 शेयर हैं इस कंपनी के और 735 पर इन्होंने लिया हुआ है। इस वक्त देखिए करीब करीब 50 रुपये प्रति शेयर का इनको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। काफ़ी लकी हैं ये, जिस लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है वहाँ से अच्छी तेज़ी भी हमने देखा स्टॉक में है अभी फिलहाल, लेकिन देख रहे हैं कुछ समय से हाल फिलहाल में स्टॉक टूटा भी काफ़ी है, तो इन्होंने ऊपर के लेवल्स भी देखे होंगे 800 के ऊपर के, उसके बाद से स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। सुमित, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको एलजी बालाकृष्णन के, अभी भी बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाएं स्टॉक से? देखिए, रिसेंटली स्टॉक ने काफी अच्छा एक मोमेंट दिया था 650 से लेके 880 तक के लेवल्स के लिए, लेकिन 3 दिन पहले जो एक गैप डाउन हुआ था उसकी वजह से स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है। लेकिन अगर व्यू इनका लंबा नजरिया है तो बिल्कुल आप बने रहिए, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहेंगे करीबन 760 रुपए का बिल्कुल। और अपसाइड में अगर ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें लग रहा है वो रहेगा 950 के करीबन का, तो बिल्कुल व्यू अभी भी पॉजिटिव है, आप स्टॉक को होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये है राय एलजी बालाकृष्णन पर, स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं क्योंकि गिरावट जरूर आई बट वहां से एक रिकवरी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए सो दैट आपका जो थोड़ा बहुत मुनाफा है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ नतीजों पर, और हमारे साथ डाबर के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। डाबर के कल नतीजे आए चौथी तिमाही के, जिसमें कि कंपनी के मुनाफे में 2% की बढ़त देखने को मिली लेकिन मार्जिन में हल्का दबाव था। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO अंकुश जैन जुड़ चुके हैं। अंकुश, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार के जो नतीजे आए, हमने देखा कि मार्जिन फ्रंट पर भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है, आप हमें बता पाएंगे इस बार के नतीजों में क्या कुछ ऐसा था जहां जिसकी वजह से ये दबाव नजर आया, और आने वाले समय के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड टू योर व्यूअर्स एज वेल। मार्जिन से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है, वी हैव क्रॉस्ड 11,500 करोड़ एज अ टर्नओवर, जो कि 6% बड़ा है इस साल और कॉन्स्टेंट करेंसी में 8.2% बड़ा है। हमारी कुछ कंट्रीज में थोड़े ट्रांसलेशन लॉसेज हुए, अदरवाइज 8.2% इन कॉन्स्टेंट करेंसी है। और अगर आप 3 ईयर के CAGR पे देखते हैं तो इंडिया बिजनेस भी 11% ग्रो किया है, IB इंटरनेशनल भी अराउंड 10% ऑन ए 3 ईयर बेसिस, प्लस इंडिया में भी चाहे हेल्थ केयर, HPC और यू नो फूड्स बिजनेस, ये भी 3 ईयर डबल डिजिट पे ही ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट HC और HPC 10% CAGR पे और फूड्स 20% CAGR पे 3 ईयर्स पे ग्रो कर रहे हैं, विच मीन्स द बिजनेस रिमेन्स फंडामेंटली स्ट्रांग है। हमारी जो एग्जीक्यूशन है, अवेलेबिलिटी ड्राइव करने की, अवेयरनेस बढ़ाने की और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की प्रोडक्ट्स की, वो काम कर रही है। अब आपका जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है मार्जिन्स पे, मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर रहा बट वो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रहा। लेकिन अगर आप एक चीज देखते हैं रिजल्ट्स में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी ग्रॉस मार्जिन्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इस क्वार्टर में लीस्ट रहा,
हमारा पीक कॉन्ट्रैक्शन ग्रॉस मार्जिन में क्वार्टर टू में ऑलमोस्ट 300 बिप्स रहा, जो कि इस बारी हाफ होके ऑलमोस्ट 160 रह गया है। लाइकवाइज इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्शन पीक में 19 दिसंबर के अराउंड आपका ऑलमोस्ट 200 था, वो अभी 74 है। इसी तरह इंटरनेशनल में भी 500 से 250 ही कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन अभी हमें लगता है कि एज वी गो फॉरवर्ड इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेट होना स्टार्ट हो गया है, और ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोजेक्शन है कि हम ग्रॉस मार्जिन को इंक्रीज कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मॉडरेशन इन्फ्लेशन। प्लस हम कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स भी काफी ड्राइव कर रहे हैं अक्रॉस आर वैल्यू चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो मार्जिन्स जो अपसाइड हमें मिलेगा उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे काफी हद तक to generate demand in our advertisement and promotion activities, so that more and more consumers are aware and we increase our awareness amongst our consumers. Do teen cheeze aur bataunga jo ek achhi hui hai is baar. Hamara hair oil category jisme badi competitive category hai, usme humne 130 bips ka margin market share increase kiya hai. Oral care mein हम कंट्री में नंबर टू प्लेयर बन चुके हैं एज वी स्पीक, और हमारी जो पेनिट्रेशन है वो 50% पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि इंडिया के हर दूसरे घर में डाबर का कोई भी ओरल केयर प्रोडक्ट मौजूद है, चाहे वो रेड टूथपेस्ट हो, चाहे वो बबूल हो, चाहे वो मेसवाक हो या लाल दंत मंजन। दिस इज रियली क्रेडिबल, एंड इस प्रेशर में भी हम अपने मार्केट शेयर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर भी थोड़ा समझना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि अगर बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं लो टू मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट डाबर उन सबके सामने हमने देखा कि म्यूटेड ही ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की। इसकी वजह क्या थी और इतना डिफरेंस क्यों है अगर बाकी एफएमसीजी प्लेयर के गाइडेंस और आउटलुक से कंपेयर करें और डाबर से कंपेयर करें, तो आने वाले समय के लिए फिर वॉल्यूम ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं? While you're right कि जो वॉल्यूम ग्रोथ एक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं वो फ्लैटिश या 1% के करीब है। हाउएवर जो एक्चुअल केसेस हमने सेल किए मार्केट में वो इस क्वार्टर में 11% और फुल ईयर में 14% का ग्रोथ हुआ है। ऐसा क्यों, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है कंज्यूमर्स थोड़े डाउन ट्रेड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो छोटे प्रोडक्ट्स ज्यादा ले रहे हैं, तो हम उसको जब वैल्यू वेट करते हैं तो वो 1% ही दिखता है, बट एक्चुअल ट्रांजेक्शंस या एक्चुअल जो केसेस मार्केट में जा रहे हैं वो 11-14% ही है, जो कि मार्केट के अदर कंपटीशन के करीब या ज्यादा ही है। इसीलिए हमारा मार्केट शेयर मोस्ट कैटेगरीज में बढ़ रहा है, और इसको हमें इस पहलू से भी देखना पड़ेगा कि सर्टन कैटेगरीज वेयर वी ऑपरेट, जैसे हेयर ऑयल हो गया या ओरल केयर हो गया, ये कैटेगरीज पिछले 4 या 5 महीने से डिक्लाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा ये पॉजिटिव मोमेंटम में आए हैं, इसके बावजूद भी हमारा इनमें केसेस ज्यादा ही है मार्केट के डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो देयरफॉर वी आर एक्चुअली गेनिंग मार्केट शेयर, इट इज ऑनली अ वे ऑफ रिपोर्टिंग। तो थोड़ा सा इसमें, और क्योंकि दूसरा रीजन ये है क्योंकि जब जूसेस की सेल बढ़ती है तो वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या केसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वैल्यूएट करके हम उसको फ्लैट या वन जो वी वैल्यूएटेड टू देयर कंपनी एवरेज, हेंस गैप है एक्चुअल केसेस में और जो एक्चुअली में रिपोर्ट हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, चाहे ओरल केयर हो, चाहे हेयर केयर हो, चाहे ओडोनिल हो, ओडोमोस हो, च्यवनप्राश है और हनी है, हम पूरे साल में मार्केट शेयर बढ़ा ही रहे हैं। इसका मतलब हमारी ग्रोथ इन एक्चुअल केसेस इज हायर देन मार्केट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वार्टर में हमारी पेनिट्रेशन 80% हो गई है, विच मींस 8 out of 10 households आर एक्चुअली कंज्यूमिंग वन ऑफ आर एनी डाबर प्रोडक्ट इन द कंट्री।
राइट अंकुश जी, समय की थोड़ी कमी है लेकिन हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपके आगे के प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात समझ में आ गई, वॉल्यूम कम रिपोर्ट जरूर दिख रही है लेकिन ओवरऑल हर सेगमेंट में मार्केट शेयर में बढ़त ही देखने को मिली। अंकुश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने नतीजे पर बात करने के लिए और आने वाले तिमाही के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट सर। चलिए अब डाबर इंडिया नतीजों के बाद हम देख रहे हैं 2.5% नीचे है, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए पॉजिटिव ही नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटे